दाभोलकर हत्या में जब उनकी हत्या होती है उसी दिन दो लोग गिरफ्तार होते हैं और उनके वो नॉन आर्म्स डीलर हैं वो दोनों लोग, और वो अनरिलेटेड केस में, उस केस में नहीं गिरफ्तार होते हैं, दूसरे कोई केस में गिरफ्तार होते हैं। कुछ महीनों के बाद ऐसे फॉरेंसिक्स को मालूम पड़ता है कि इनके पास जो हथियार मिला है वही हथियार है या हो सकता है जिससे दाभोलकर की हत्या हुई थी। अब आपके पास में दो लोग गिरफ्तार हैं, आपके पास में जो वेपन है वो भी है, लेकिन आप इन लोगों को चार्जशीट करते नहीं हैं, आप ये दोनों लोगों को छोड़ देते हैं और आप दो ऐसे हिंदुनिष्ठ कार्यकर्ताओं का नाम लेते हैं जो ऑलरेडी 5 साल में दूसरे कोई केस से मिसिंग है। तो जाहिर है आप ऐसे लोगों का नाम ले रहे हैं जिनको आपको मालूम है जो मिलने नहीं वाले हैं, ठीक। अब इनको चार्जशीट भी कर दिया जाता है, लेकिन और 2 साल के बाद में आप दूसरे दो लोगों का नाम लेते हैं जो ये दो नहीं हैं, और बोलते हैं नहीं वो दोनों ने नहीं किया था और ये दोनों ने किया है, क्योंकि अभी ये हमारे हाथ में लगे हैं, है ना। और ये दोनों लोग भी कोई अनरिलेटेड केस में अरेस्ट हुए हुए लोग हैं, इनके पास से जो बंदूक मिला है वो उन्होंने बंदूक जो है वो समुंदर में थाने की खाड़ी में उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अब आप ये समझिए, एक तरफ से आप कहते हैं कि हथियार हमारे पास में पड़े हैं, दूसरे तरफ से आप कहते हैं कि जो हथियार हैं वो पुणे में छोड़ दिए गए थे, जो दूसरे जो पहले चार्जशीट में कहा गया है। तीसरे तरफ से आप कहते हैं कि हथियार तोड़कर समुंदर में फेंक दिए गए हैं। कितने हथियार थे? नॉर्वे से डाइवर बुलाए जाते हैं और वो कूदते हैं, कई महीने ढूंढते हैं, उसके बाद में वो एक हथियार निकालते हैं पानी में से जो साबुत हथियार है। यानी पानी के नीचे जो हथियार को टुकड़े टुकड़े करके फेंका गया था वो वन पीस में मिला है। ये जांच जो है ये पूरी तरह से बर्बाद किस्म की है। और ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि इसका पहले दिन से किसी ने कोई प्रयत्न नहीं किया कि किसने एक्चुअली मर्डर किए हैं ये जानने के लिए। इसका राजनीतिक कारणों से इसका दुरुपयोग किया गया है।